विस्तार पर एम्स के डॉक्टर की चिंता। स्वास्थ्य मंत्री के सामने लॉकडाउन की गुहार लगाई। डॉक्टर ने कहा 10-12 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए, तीसरी और चौथी लहर भी भारत में आ सकती है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दूसरी लहर को बताया बड़ी चुनौती। I don't say lockdown periods like 10 days or 12 days so that we break the chain of transmission. It may happen. We'll have to face the third wave surge, expert, or the fourth wave. जब डॉक्टर हर्षवर्धन वहां के डॉक्टर्स से मिले तो उन्होंने क्या कहा वो हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। कोरोना को लेकर एक्शन में है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। आज राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उनकी एक बैठक होने वाली है। कोरोना प्रभावित राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर्स से बातचीत करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। कोरोना की हालात की समीक्षा लेंगे। हर्षवर्धन ने कल एम्स जाकर तैयारियों का जायजा लिया था और आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ, जिसमें समीक्षा की जाएगी कि राज्यों के हालात किस तरीके के हैं कोरोना संक्रमण को देखते हुए। तो आज एक बहुत अहम मीटिंग है राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मीटिंग करने जा रहे हैं और आइए अब आपको बताते हैं कि आज की बैठक का एजेंडा क्या है, आज की इस बैठक में क्या हो सकता है। बिग वॉल ग्राफिक्स में देखिए आप, राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से अलग अलग बात करेंगे क्योंकि 9 से 10 राज्य ऐसे हैं जहां हालात काफी खराब हो चुके हैं। राज्यों में कोरोना के हालात पर जानकारी लेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। इस बैठक में अस्पतालों में जारी सुविधाओं का अपडेट लिया जाएगा क्योंकि कई जगहों से खबरें हैं कि अस्पतालों में अब बेड नहीं बचे हैं, सुविधाएं नहीं मिल रही लोगों को। कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच एक्सपर्ट्स का नया दावा, भारत में 100 दिनों तक रह सकती है कोरोना की दूसरी लहर। 70% लोगों के वैक्सीनेशन नहीं होने तक कोरोना लहर का डर है। दिल्ली में लगा वीकेंड कर्फ्यू, सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा वीकेंड कर्फ्यू। बीती रात 10 बजे से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लग गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 19,486 नए केस देखने को मिले।